जय हिंद साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान में, जिसका नाम है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन करना होता है वो प्रमुख रूप से राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि इन तीनों से मिलकर हमारे राज्य की कार्यपालिका बनती है। और लेकिन ये जो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, विधानसभा, लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी जगह सभी राज्यों में नहीं है। इसके लिए इस सीरीज को हम लोग पूरे ध्यान से अंत तक पढ़ेंगे और आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके इन तथ्यों को जानते हैं, इन तथ्यों को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम लीजिएगा और बैठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे नोट डाउन होंगे जो आपको लिखने होंगे। भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। जो भारत का संविधान है वह कैसा है? एक संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों के शासन के संबंध में अलग अलग प्रावधान किया गया है। संसद की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच अध्ययन कर लिया था। आज की जो टॉपिक हम लोग को पढ़नी है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 6। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। जी हाँ, मतलब यहां पर आज हम लोग को जो पढ़ना है भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू था, किंतु अब यहां से बहुत सारे ऐसे प्रावधान हो गए हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख राज्य में भी, मतलब इन दोनों के सभी प्रदेश में भी लागू हो जाएंगे, हो गए हैं ऐसे मान लीजिएगा। अब आगे देखते हैं भाग 6 के तहत कार्यपालिका, विधायिका, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे। इसलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। एक प्रश्न आता है आपके परीक्षा में कि राज्यों का संविधान भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 6 को भारत के राज्यों का संविधान कहा जाता है। यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से एक नंबर आपका फिक्स आता है। और यह कहां से कहां तक है, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर हम बात करें तो 152 से लेकर 237 के मध्य फैला हुआ है। अगर यहां पर देखें कि संघ शासित, जो संघ शासित राज्य है उनके शासन व्यवस्था, इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। जी हाँ, जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक किया गया है। आइए आगे चलते हैं, एक एक करके हम लोग यहां पर देखते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो उस टॉपिक में है राज्य की कार्यपालिका के संबंधित प्रावधान 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य का मंत्रिपरिषद सहित महाधिवक्ता भी आते हैं। एक एक करके हम सभी का वर्णन करेंगे और आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब ये लाइव क्लास चल रही है और बाद में भी देख रहे हैं, निःशुल्क है, देशहित में, राष्ट्रहित में, आप सभी के लिए है। अब पहले टॉपिक पढ़ेंगे द गवर्नर अर्थात राज्यपाल। पहले तो ये जान लेते हैं ये राज्यपाल क्या है, ये राज्यपाल कौन सी बला है। आपको भी शायद जानना होगा कि भारत में संघ तथा राज्यों को समान रूप से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का, जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, खासकर कूट देकर भी पूछते हैं। राज्य के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं और भारत ही उसको, मतलब जैसे राष्ट्रपति की सहायता के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, वैसे राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रमुख, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल ये मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यह याद रख लीजिएगा। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है,
किसमें निहित होती है? वो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अगर हम संविधान के भाग 6 में देखें तो 153 से लेकर 152 दिया ही है, मतलब 153 से लेकर 162 के तहत हमें राज्यपाल के बारे में प्रावधान मिलता है। इसके बारे में? राज्यपाल के बारे में प्रावधान मिलता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अनुच्छेद 153 में कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये सर, ये हमने तो मूल संविधान में तो नहीं है। जी हाँ, ये मूल संविधान में नहीं है, इसे सातवें संविधान संशोधन, इसे सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो दो राज्य का हो, तीन राज्य का, चार राज्य का, पांच राज्य का हो सकता है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या एक राज्यपाल 2800 राज्य के राज्यपाल बन सकता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। संविधान का जो विस्तृत अध्ययन कर रहा है लर्निंग दुर्गेश पर सिलेक्शन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो ये जरूर बताइएगा आप लोग। मैंने तो बताया दो या दो से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में इसका प्रावधान किया गया। तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, और ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर? आपको इसे रट्टा मारना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब हम वहां पे देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, किसके बारे में? राज्यपाल की नियुक्ति, आप लोग यही डालिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, और बीच बीच में जो अनुच्छेद आते रहेंगे उनका भी जिक्र करता चलूंगा। देखिए, राज्यपाल की, राज्यपाल के लिए किसी प्रकार की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होता, ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष, माने राज्यपाल किसी भी चुनाव प्रक्रिया के द्वारा नहीं चुना जाता। यह बात याद कर लीजिएगा, यह बात रट लीजिएगा। माने राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और किसके तहत? अगर हम देखें राज्य को इरेज करते चल रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है। लिखते चलिएगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 में, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, और इस प्रकार राज्यपाल भी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा उसे नामित किया गया हो, अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा जिस व्यक्ति को नामांकित किया गया हो उसे राष्ट्रपति उस राज्य का राज्यपाल बना देता है या बना सकता है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, एक बात आया था, लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, ये 1979 में एक वाद आया था। कब? 1979 में एक वाद आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, अर्थात उच्चतम न्यायालय ने यह पारित किया कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नियोजन नहीं है। मैंने वहां पर यह बताया कि जो राज्यपाल का पद है ये भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, माने भारत सरकार के अधीन नियोजन नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। यह क्या है? एक प्रकार से स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही इसके अधीनस्थ। यह बात याद रखिएगा, मतलब किस बात में कहा गया था, यह परीक्षा में पूछा जाता है। हरगोविंद पंत बनाम, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक 1979 में उच्चतम न्यायालय ने एक सुनवाई के दौरान ये कहा था, एक आदेश दिया था, निर्णय सुनाया था कि यह
राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जो न केंद्र सरकार के नियंत्रण में है न ही किसी अधीनस्थ के नियंत्रण में होता है और यह केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, उनके अधीन नियोजन नहीं है। यह बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से जानना है। लेकिन फिर भी किसी भी तख्त से एक से अधिक बार, मतलब कोई व्यक्ति है क्या उसे एक बार राज्यपाल बनाया जा सकता है? इसके बारे में भी भारतीय संविधान कहता है कि एक से अधिक बार राज्यपाल की नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है जहां वो अपनी शेष अवधि तक कार्य करेगा। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसे मध्य प्रदेश के लिए भी भेज सकता है, केरल के लिए भेज सकता है, सिक्किम के लिए भेज सकता है और उन्हें हरियाणा में भेज सकता है। मतलब ये राष्ट्रपति के विवेक पर है और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया 74, आपको याद होगा। अब हम लोग और आगे देखेंगे तो यहां पर हमने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति, एक सवाल हमारे और आपके जेहन में आ रहा है, शायद मैं आपसे पूछना चाहूंगा राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल आपके मन में भी आना चाहिए। राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं? आपने देखा होगा, मैं इस प्रश्न का जवाब इसलिए दे रहा हूं, कुछ लोग अगर रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी परीक्षा की जो लिखित परीक्षा की वगैरह तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की, तो वहां पर ये प्रश्न लिखित में आ सकता है कि राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो वहां पर कुछ मामला कोर्ट में भी गया था, उसके जजमेंट के आधार पर मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको ये जरूर जानना चाहिए कि राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं। मैंने भारत के संविधान में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कहेंगे सर यह प्रावधान अगर परीक्षा में पूछ लेगा कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह प्रावधान कहां से लिया गया, यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया गया। मतलब संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, कौन सी प्रांतीय संविधान समिति जो थी, उनका सुझाव था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान निर्माण हो रहा था, जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, उस समय प्रांतीय संविधान समिति, जी हां प्रांतीय संविधान समिति का यह सुझाव था कि राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए, इसका सुझाव दिया गया। लेकिन संविधान सभा में इस पर सहमति नहीं बनी, लेकिन जो संविधान सभा थी उस पर इस बात पर सहमति नहीं बन सकी। इसके कुछ सदस्य जैसे कृष्णमाचारी थे, जीवी पंत थे, बीजी खेर थे, ये सभी निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। ये सभी क्या थे कि जो राज्यपाल होगा ये निर्वाचित होगा, इसके पक्ष में थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, ये राज्यपाल को मनोनीत नियुक्त किए जाने के पक्ष में थे कि राज्यपाल की मनोनय हो, राज्यपाल को नियुक्त किया जाए। अंततः अंतोगत हमने देखा कि संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदे में दी गई निर्वाचित राज्यपाल का प्रावधान, जो राज्यपाल का प्रावधान था, मूल योजना को छोड़कर राज्यपाल को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया, माने मूल योजना को छोड़ दिया जाए तो राज्यपाल को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। कारण क्या क्या था, आइए उसके कारण के बारे में जानते हैं। क्या क्या कारण था, शायद आपके मन में भी जेहन में भी सवाल उठ रहे होंगे और इलनी भी दुर्गेश पर पढ़े मेरे द्वारा, तो मैं चाहता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट में आपके लिए कोई भी तथ्य आपका छूटना नहीं चाहिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि निर्वाचित राज्यपाल का मतलब है कि एक मतलब निर्वाचित राज्यपाल का तात्पर्य होता है कि एक और निर्वाचन जो किसी प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर न लड़ा जाए बल्कि व्यक्तिगत मुद्दे पर लड़ा जाए। इससे कष्ट होता, व्यय होता, लाभ कुछ नहीं होता। एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ राज्यपाल, दोनों चुनाव लड़ते। मतलब निर्वाचित राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मान सकता था, जो निर्वाचित राज्यपाल आता वो क्या करता, क्योंकि जनता चुनकर भेजती, तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, वह कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों को ग्रहण कर सकता था। जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां हैं, जो मंत्रिमंडल में समाई थी, उसको स्वयं ग्रहण कर लेता। राज्य का वह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख न रहकर वास्तविक प्रधान बन जाता। मतलब वह राज्य का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख न रहकर
वह वास्तविक प्रधान बन जाता है। इसलिए राज्यपाल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने पर मुख्यमंत्री से मतभेद व संघर्ष की संभावना सर्वाधिक थी। इसलिए राज्यपाल की निर्वाचित नहीं बल्कि उन्हें नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली, राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली के अधीन कार्य करना है। जो राज्यपाल है उसको संसदीय शासन प्रणाली के अधीन कार्य करना है। एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन प्रणाली कभी मेल नहीं खाती। कुछ परिस्थितियां में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना पड़ता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल के लिए यह संभव नहीं है कि वह राज्य के प्रमुख रूप में कार्य करेगा, न कि वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, वो अपने रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वतंत्र निष्पक्ष कार्य करने के बजाय दलबंदी करेगा, गुटबंदी का शिकार हो सकता है, जबकि राज्य में उसकी भूमिका एक स्वतंत्र निष्पक्ष मध्यस्थ निर्णायक की है। संविधान निर्माता राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति को भी नहीं अपनाया, राज्य निर्वाचन पद्धति को भी अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन सकता था। इस प्रकार अंतोगत्वा हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी यह भारतीय संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह चाहा और उन्होंने ये इस बात को तथ्य को रखा, जिससे आज भी भारत के राष्ट्रपति को भारत के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे राज्यपाल की अर्हताएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां सबके लिए परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं राज्यपाल की अर्हताएं के लिए क्या क्या है। सबसे पहली बात, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में है, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में इसका जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 157 में यह प्रावधान है राज्यपाल की अर्हताओं से संबंधित, किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, माने कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहे तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, सबके लिए है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, माने राष्ट्रपति वाला नियम यहां भी लग रहा है, उसकी आयु 35 साल से अधिक होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति के लिए भी था। और राज्यपाल पद हेतु व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा, जबकि राष्ट्रपति के लिए व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन राज्यपाल के पद के लिए व्यक्ति का जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं। आगे देखेंगे, इसमें एक अनुच्छेद आता है, 157 हो गया ना, इसी में पढ़ लेते हैं 158। अनुच्छेद 158, इसके बारे में दो बातें जान लेते हैं। माने राज्यपाल के लिए कुछ अन्य शर्तें दी गई, जैसे राज्यपाल को संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी अगर राज्यपाल बनना चाहता है अनुच्छेद 155 के तहत, तो संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसका पद, उसका स्थान वहां रिक्त समझा जाएगा। साथ ही कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करना चाहिए, माने साथ ही साथ राष्ट्रपति राज्यपाल कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकेगा, माने जो राज्यपाल है कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर पाएगा, यह अनुच्छेद 158 में कहा गया है। माने 157 158 क्या है, राज्यपाल की अर्हताओं की बात करता है। मतलब वह यदि कोई विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य है तो उस दिन उसका पद रिक्त समझा जाएगा, जिस दिन राज्यपाल का पद की शपथ। ये भारतीय संविधान के रूप से मैं किताबों के बारे में, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गए, डीडी बसु हो गए, सुभाष कश्यप सर हो गए, इनकी किताबों के आधार पर मैं आपको अपनी जो लेक्चर वो दे रहा हूँ, ये मेरा कोई व्यक्तिगत शब्द, कोई व्यक्तिगत मेरे वाक्य नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार जब संविधान पढ़ाता हूँ इस बात का जिक्र मैं जरूर करता हूँ। अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल की पदावधि। जो राज्यपाल की पदावधि है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 इसका जिक्र किया गया है। राज्यपाल की जो पदावधि है इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत किया गया, और अनुच्छेद 156 में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि
अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अच्छा मैं बता ही देता हूं तब, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट में मैं पूछूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ध्यान से लिखिएगा प्रसाद पर्यंत, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति के, इसमें राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, प्रसाद पर्यंत, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आप लोग जरूर लिखिएगा, इसको समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की जो पदावधि वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, किसके, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती, मतलब अगर विकल्प में दे दिया जाए 5 वर्ष, अभी मैं आगे व्याख्या करके बताता हूं, 5 वर्ष भी दे दिया जाए और यह भी दे दिया जाए तो विकल्प में इसको सही करेंगे, इस विकल्प को सही नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है, राज्यपाल द्वारा कोई असंवैधानिक कृत्य करने पर मंत्री परिषद राष्ट्रपति से राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए कह सकता है, यह बात याद रखिएगा, राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए, उसके पद से हटाने के लिए, इसे शब्द है जो किताबी शब्द है पदच्युत, ठीक है यह बात आप लोग जानते रहिएगा, पदच्युत करने के लिए वो कह सकता है, राज्यपाल को अपने पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति जैसे महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं, माने जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग है, वैसे राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को हटा सकता है, ऐसे राज्यपाल का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष तक रह सकता है, यह अधिकतम, यह कार्यकाल है, यह क्या है, कार्यकाल, लेकिन मैंने ऊपर आपको बताया अगर विकल्प में 5 वर्ष दिया है, प्रसाद पर्यंत दिया है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपको लगाना है वो लगाना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्लियर हो गया, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो 5 साल के पहले भी अपने पद राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, पदमुक्त हो सकता है, या राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, मतलब पद छोड़ भी सकता है, क्या 5 साल फिक्स है, के पहले वो त्याग पत्र दे सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, मृत्यु हो सकती है, यह पदावधि समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण ना कर ले, माने यदि किसी राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया और कोई अन्य राज्यपाल अभी तक नहीं आया है तब भी राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा अगले राज्यपाल के आने तक, मतलब हमने साफ साफ देख लिया कि राज्यपाल की जो पदावधि है इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में किया गया है और वहां पे राज्यपाल के अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, उसके बाद भी पद को बढ़ाया, कार्यकाल को बढ़ाया घटाया जा सकता है, जी हाँ, अगर केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति पद कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक से अधिक राज्यों का दायित्व भी सौंपा जा सकता है, लेकिन एक बात और याद रहे उसे उसके पहले भी हटा सकता है, लेकिन क्या राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, बस क्लियर। अब अगली घड़ी की तरफ हम लोग चलते हैं जहां पर हम वेतन भत्ते की बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पे वेतन भत्ते की बात भारतीय संविधान के अर्थाएं हम लोग देख रहे थे, वेतन भत्ता भी इसको मिटा दे अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, कोई काम का ही नहीं, उसे आप लिखते चलिएगा, नोट्स आपका बन जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 उपखंड 3 में किया गया है, अगर राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल है, मुंह से मेरे राष्ट्रपति निकल गया, राज्यपाल के वेतन भत्ते का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 उपखंड 3 में किया गया है। और देखिए एक बात और, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, मेरे द्वारा निशुल्क क्लास देश हित में राष्ट्रहित में आपको मिलती रहेंगी और मैं चाहूंगा कि आप भी राष्ट्र निर्माण अपनी भूमिका अदा करें और कम से कम भारतीय संविधान को जरूर जाने। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158(3) के तहत राज्यपाल के वेतन और भत्ते या उसकी अन्य जो पर उपलब्धियां हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। अब 2018 में 1,10,000 रुपए राज्यपाल का जो वेतन था उसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपया कर दिया गया, माने 3,50,000, और ये 2018 से पहले क्या था, 1,10,000 था,
1,10,000 से बढ़ाकर इसका वेतन 2018 से कितना कर दिया गया, 3.5 लाख रुपया कर दिया। राज्यपाल का वेतन भत्ता, राज्यपाल की वेतन भत्ते भी भारत के संचित निधि से दिए। एक बात और कि जो राज्यपाल लोग राज्य विधानमंडल में मतदान के अधिकारी नहीं होते, मतलब मतदान नहीं कर सकते, राज्यपाल के वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जब राज्यपाल अपना पद धारण करे उसका वेतन कम हुए उसका भत्ता, ऐसा नहीं है। ये 58,300 दिया गया, मतलब 3 दिया गया। किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, जो मैंने ऊपर बता दिया। जब व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया, तो दिया जाने वाला जो वेतन भत्ता होता है सभी राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में विभक्त किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित। मतलब ऐसा नहीं है अगर उसको 10 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए 10 का वेतन भत्ता जोड़कर मिले, उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अनुपात बनाया जाता है, राज्यों के मध्य उसी के अनुपात में विभक्त करके राष्ट्रपति को दिया जाता है। जब राज्यपाल की पदावधि समाप्ति के बाद उत्तराधिकार की नियुक्ति न होने के कारण अपने पद पर बना रहता है तब उसे दैनिक आधार पर वेतन भत्ता दिया जाता है। जैसे अगर उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो जाए उसके बाद अगर अपने पद पर बना है तो दैनिक आधार पर उसे वेतन भत्ते मिलते रहते हैं। राज्यपाल निशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। राज्यपाल जो है निःशुल्क शासकीय आवास का अधिकारी होता है। राज्यपाल वो समाधान हो जाए ऐसी परिस्थिति विद्यमान है उसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, अतः राज्यपाल को हमने देखा कि मतलब जो राज्य के शासकीय होता है उस अच्छे प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, उनकी उपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं माने राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अगर उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, जब कोई अन्य व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता है तब उसे भी पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर हम देखें तो यहां पर 159 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब भारतीय यहां पर राज्यपाल हमने देख लिया कि वो अधिकारी होता है। अगर शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें, जैसे शपथ या प्रतिज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया है। इसके अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करें और जिस राज्य के राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगर उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। और इसका जिक्र भारतीय संविधान 159 में, लेकिन अनुसूचित 3 में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 3 में नहीं है। एक प्रश्न है, जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति के पद एवं शपथ, पद की जो शपथ का है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में था, वो अनुसूचित 3 में नहीं था। लेकिन यहां पर भी देखेंगे कि राज्यपाल की जो शपथ या प्रतिज्ञान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में न कि अनुसूचित 3 में। राज्यपाल कृत्यों का मैं दुर्गेश जायसवाल राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा अपनी पूरी योग्यता और संविधान की विधि का संरक्षण और पर्यवेक्षण करूंगा, जनता की सेवा में कल्याण में निरत रहूंगा, ऐसा प्रारूप है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के लिए जो मैंने आपको बता दिया।
यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल संबंधित कई चीजें पढ़ लिया जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। अब हम लोग और आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। तो क्या आप लोग तैयार? ठीक है, तो चलते हैं राज्यपाल की शक्तियां पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और उसको राष्ट्रपति की ही भांति राज्यों के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाली व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति कूटनीति, सैन्य, आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर देखा जाए तो राज्यपाल की शक्तियां लगभग एक समान है। अगर इनको छोड़ दिया जाए, कूटनीति शक्तियां, आपातकाल शक्तियां, सैन्य शक्तियों को छोड़ दिया जाए, तो लगभग राष्ट्रपति की जो शक्ति केंद्र में है वही राज्य की, राज्यपाल की शक्ति राज्य में है। मतलब डीडी बसु जी के अनुसार अगर कहा जाए कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों के समान है, सिर्फ कूटनीति, सैन्य और आपातकालीन शक्तियों को छोड़ दिया जाए। उनकी शक्तियों को हम निम्नलिखित भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। कार्यपालिका की शक्ति, शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की विवेकी शक्तियां। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास में नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कमेंट ना करिए। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजेहन से मेरे द्वारा आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। घर बैठकर आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छा लगता है, खेत में नहीं। ठीक है, और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। अब हेडी बनेगा राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति। हेडी बना लिया आप लोगों ने? थोड़ा सा जल्दी हम लोग पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कई अनुच्छेदों का भी जिक्र होगा, ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे यही दो अनुच्छेद, एक दो तीन है जो बड़े हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति है, यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े हैं, बाकी आपको इतने बड़े आपको नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए। जैसे इसमें ध्यान लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं। माने राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का, राज्य की कार्यपालिका के शक्ति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में दिया गया है। ठीक है, किसमें? भारतीय संविधान 154 में दिया गया, और वहां पे कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? वह राज्यपाल में निहित होगी। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में दिया गया। माने राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें? राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख किसके? राष्ट्रपति को बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल को बनाया गया है। राज्य के सभी कार्यपालिका जो कार्यपालिकी कृत्य होते हैं राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका की शक्ति किसके अंतर्गत करता है? वह मुख्यमंत्री की क्या क्या कर सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेडिंग बना सकते हैं आप। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है राज्यपाल, मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, और उन्हें उनकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति। राज्य के प्रमुख जितने वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको भी, या उनकी भी अगर देखा जाए नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जैसे अगर आपको हो सकता है परीक्षा पूछ दे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की एवं उनके अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता जिसे आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य निर्वाचन आयोग या अन्य आयोगों के सदस्य, विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, इन सभी की जो नियुक्तियां या आदि की जो नियुक्तियां वो राज्यपाल। साथ ही साथ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल परामर्श देता है राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। देखिए, हमने वहां पे देखा था कि राष्ट्रपति मुख्य प्रधानमंत्री से, अन्य मंत्रियों से, उनके जो शासन संबंधित या मामले होते हैं उन्हें मांग सकता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी अनुच्छेद 167 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 167 का प्रयोग करके राज्य के प्रशासन संबंधित और विधान सभा के जो विषय का कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है, और किसी भी मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय के विचार के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रख सकता है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं राज्य का शासन चलाता है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आगे पोस्टपोन किया गया इसको, अनुच्छेद 333, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय पर्याप्त प्रतिनिधि न होने पर वह इस समुदाय में एक व्यक्ति को विधानसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। मैं आपसे पूछूंगा अनुच्छेद 331 क्या है। इनमें दो अनुच्छेद का अंतर होता है, केवल केंद्र राज्य का मामला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को ऐसा समझ में आता है कि विधानसभा में चुनकर आए सदस्यों में आंग्ल भारतीय की संख्या, भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य संख्या प्रतिनिधित्व कम है या नहीं के बराबर है, तब एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, एक बात और है, जैसे जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां की कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है, मैं आगे उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, स्टाल लगा के शर्तें लागू। ठीक, किन राज्यों में नहीं है, मतलब जिन राज्यों में विधान परिषद, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और समझिएगा, सभी लोग ध्यान से, और राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता, मतलब राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, उन्हें भी वह विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 उपखंड 3 में दिया गया है। किसके किसके मामले में? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल चाहे तो विधान परिषद का सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार कौन 12 सदस्यों की मनोनीत राष्ट्रपति का, अच्छा एक सवाल मेरा है कि कितने सदस्यों की मनोनीत या कितने सदस्यों का मनोनय राज्यपाल राज्य के विधान परिषद में कर सकता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसे कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनय राज्यसभा में कर सकता है। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे विधायी शक्तियां, ये होगी हमारी कार्यपालिका की शक्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, वरना फिर मेरा पढ़ाना कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, यहां पर हम देखेंगे तो अगर अनुच्छेद 169 की बात करें, कई अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद 169 देख लेते हैं।
उसके बाद फिर एक एक करके पढ़ेंगे, फिर अनुच्छेद 74 पढ़ लेंगे हम लोग, फिर हम लोग अनुच्छेद 175 पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले अनुच्छेद 168 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होगा। देखिए ये राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा कौन? राज्यपाल। देख रहे हैं, अभिन्न अंग होगा कौन? राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसका जिक्र कहां दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में दिया गया। और यहां पे संसद ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया। जैसे आप जानते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहां कहा गया है? यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 152 में कहा गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, यह कहां कहा गया है? यह अनुच्छेद 63 में कहा गया। अच्छा आप बताइएगा, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। जैसे ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहां कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कहां कहा गया? अनुच्छेद 63 में कहा गया। उसी प्रकार आप बताइएगा, हो सकता है मैं गलत लिख दिया हूं, आप हमें बताइए कि भारत का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यहां पर अनुच्छेद 168 के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि अनुच्छेद 168 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होगा राज्यपाल। अनुच्छेद 174, 175, 176 देख लेते हैं, ये कहां कहा गया है? 168 में। अब अनुच्छेद 174 की बात करते हैं। अनुच्छेद 174 क्या है? अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का समय समय पर अधिवेशन बुला सकता है, जैसे राष्ट्रपति बुला सकता है अधिवेशन या सत्र, लेकिन प्रथम बैठक मतलब जैसे मैं थोड़ा सा और पहले से बता दूं कि जैसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समय समय पर अधिवेशन या सत्र बुला सकता है, सत्र का सत्रावसान कर सकता है, किसी भी अधिवेशन की अंतिम बैठक या आगामी बैठक या आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो, माने एक बैठक के अंतिम और पहले बैठक के पहला मतलब अधिवेशन की पहला बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप ना हो, यह परीक्षा पूछता है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल का एक वर्ष में कम से कम दो सत्र आयोजित किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी भंग कर सकता है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में दिया गया। माने अनुच्छेद 174 के तहत बात साफ है कि एक साल में कम से कम राज्यपाल दो बैठकों को आहूत करेगा, उसका सत्रावसान करेगा, और दो बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, और विधान परिषद पर विधानमंडल या विधानसभा की सलाह पर या विधानमंडल विधानसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मतलब ऐसे समझिएगा जो राज्यपाल है राज्य विधानसभा या विधानसभा के मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। जैसे लोकसभा के मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग की जा सकती है, वैसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा भंग की जा सकती है राज्यपाल के द्वारा। अब इससे 175 क्या है, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 175 क्या है? अनुच्छेद 175 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को संबोधित करने संदेश भेजने की शक्ति दी गई। इसके तहत राज्यपाल विधानसभा को एक या विधानसभा परिषद वाले राज्य में जहां पे विधानमंडल दो सदन दोनों सदनों को मिलाकर या एक सदन को संबोधित कर सकता है, साथ ही साथ विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार करने हेतु दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। मतलब यहां पर एक बात साफ और स्पष्ट है कि अनुच्छेद 175 के अनुसार राष्ट्रपति विधानमंडल को राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकता है, संदेश भेज सकता है, और विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों में किसी भी सदन या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, और साथ ही साथ किसी भी लंबित विधेयक के संबंध में किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार करने हेतु वो अपना विचार
सदनों को भेज सकता है। सदनों का मतलब अगर लोकसभा लोकसभा, विधान परिषद तो विधान, मतलब दोनों में भेज सकता है। इसके बाद अब लोग पढ़ेंगे एक और अनुच्छेद 176। क्या है? माने राज्यपाल को राज्य विधानमंडल, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल अभिभाषण की शक्ति प्राप्त, किसकी? अभिभाषण की शक्ति प्राप्त। इसके तहत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा, विधानसभा जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब समझिएगा कि जिन राज्यों में विधानसभा है, अगर विधान परिषद विधानसभा है तो दोनों की बात समझ लीजिएगा, माने जिन राज्यों में विधान परिषद वहां एक साथ एकत्रित करते हुए दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण करता है, इससे वह सरकार की सामान्य नीति और भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। मैं यहां पर दोबारा अपनी संदेश को रिपीट करना चाहूंगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यों के राज्यपाल राज्य विधानमंडल में विशेष अभिभाषण की शक्ति प्राप्त। इसके तहत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में या प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, आरंभ होने का पहले सत्र में विधानसभा, जहां वहां विधानसभा नहीं तो विधान परिषद विधानसभा दोनों को मिला जिसे हम विधानमंडल में अपना अभिभाषण कर सकता है, इससे वह सरकार के सामान्य नीति भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 111। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था, मैं यहां पर उसका जिक्र जरूर करूंगा। अनुच्छेद 111 यहां पर यह था कि जिस तरह विधेयकों पर अनुमति देने से, जैसे राष्ट्रपति चाहते थे अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर अपनी अनुमति देता था, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अपनी अनुमति देता है। मतलब अनुच्छेद 111 हम लोगों ने पढ़ लिया था, कि राज्यपाल में देखा जाए तो यही सेम अनुच्छेद अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो राज्य विधान मंडल से, अर्थात जहां विधानसभा विधानसभा जहां पे दोनों है, इन दोनों से पारित विधेयक कानून बनने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा या जहां विधान परिषद है वहां दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, वो उसमें अपनी अनुमति या स्वीकृति प्रदान करता है। वो किसी भी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है, जैसे अनुच्छेद 111 में था, राष्ट्रपति धन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता था। उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल राज्य विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकता है, लेकिन विधेयक को पुनः पारित कर देने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। लेकिन एक बात और आपको यहां पे जानना है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक, राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित भी कर सकता है, यह उसकी विवेकी शक्ति है। उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। मतलब अगर किसी भी उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करना है ऐसा कोई विधेयक आता है तो वह राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित अनिवार्य रूप से करेगा, जबकि अन्य विधेयकों को वह स्वविवेक के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। इंपॉर्टेंट था। अब हम लोगों ने पढ़ लिया राष्ट्रपति राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
जिस प्रकार हम लोगों ने देखा, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उसी प्रकार जो राज्यपाल हैं उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 अनुच्छेद 213 है। आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है ना, उस सवाल को आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इलर्निंग विद दुर्गेश से आप ऐप भी प्ले स्टोर से ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि गेस्ट के रूप में मैं आपको पढ़ाने आता हूँ अपने बचे हुए समय से निःशुल्क, तो ताकि आपका भी एक संविधान की नॉलेज भी हो जाए और परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सके। आइए देखते हैं, लेकिन अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की सबसे प्रमुख विधायी शक्ति, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग तब करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करना या अनुच्छेद 213 का प्रयोग तब करता है जबकि उस राज्य की विधानसभा, जहां पर विधान परिषद न हो या दोनों सदन हो, में सत्र में नहीं, माने जहां की विधानसभा या विधानमंडल सत्र में ना हो, एक कंडीशन, या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है कि तुरंत कार्यवाही की जरूरत है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इस प्रकार राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक वैकल्पिक विधायी शक्ति है। अतः राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक वैकल्पिक विधायी शक्ति है जिसका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है, जिसका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है या प्रयोग में किया जाता है जबकि किसी भी विधि का तत्काल आवश्यकता हो और विधानमंडल सत्र में ना हो। सेम राष्ट्रपति वाला है, राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है यह वही प्रकार काम करता है जिस प्रकार राज्यमंडल द्वारा बनाया गया विधि, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के समक्ष, जहां विधानसभा के मतलब समझिएगा जहां विधानसभा विधानसभा जहां विधान परिषद है उन दोनों को सम्मिलित रूप से उनके सामने रखा जाएगा, विधानमंडल का सत्र पुनः आरंभ होने के या जहां पे दोनों सदन हैं वहां पे सदन के सत्र की शुरू होने की जो तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उसके पहले विधानमंडल द्वारा उसे पारित करना जरूरी, अगर पारित नहीं करता है तो वह अध्यादेश स्वयं समाप्त हो जाता है। परंतु अगर 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित कर दिया जाए तो अध्यादेश वह एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले भी सकता है। सेम राष्ट्रपति वाली चीज है यहां पे, मतलब अगर इनकी बैठक के जैसे आज अध्यादेश जारी हो गया 213 से, आज के बाद कोई बैठक होती, जिस दिन बैठक होगी उस बैठक के 6 सप्ताह के अंदर यदि यह नहीं पारित होता है तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसे माना जाता है। इसका जो समय सीमा होती है 6 होती, फिर ये विधानसभा से अनुमोदित करके बढ़ा भी सकती है, लेकिन अगर उसे दोनों सदन द्वारा अगर पारित, जहां 2 सदन है 2 या 1 है, पारित कर देती है तो यह कानून बन जाता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा और राज्यपाल किसी भी समय अपने अध्यादेश को वापस ले भी सकता है। क्लियर? अब आते हैं इसकी न्यायिक शक्ति की बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान। राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति क्या है इसका जिक्र हम लोग को जरूर करना चाहिए। अगर हम देखें कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां में क्षमादान की शक्ति आती है, क्षमादान, अगर हम न्यायिक शक्ति की बात करें तो सबसे पहले न्यायिक शक्ति में क्षमादान, हेडी बनाइएगा न्यायिक शक्ति क्षमादान। क्षमादान में अगर हम देखें, अगर हम राष्ट्रपति को देखें, इसके लिए अनुच्छेद 72 था और राज्यपाल के लिए क्या है कोई बता सकता है? आप लोग जवाब तो दे सकते हैं, 161। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल में, राज्यपाल की सबसे प्रमुख न्यायिक शक्ति है जिसका प्रयोग अनुच्छेद 161 में या जिसका प्रावधान अनुच्छेद 161 में किया गया, राष्ट्रपति के लिए 72 में किया गया। माने राज्यपाल उन विषयों में से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,
किए जाने गए किसी अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति के विरुद्ध दंड को क्षमा करने, उसका प्रलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश को प्राविलंब या परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान। तो यहां पर मैंने इन सभी के चारों के बारे में व्याख्या किया था राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को भी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की अपेक्षा सीमित है, क्योंकि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है और न ही संघ सूची के विषय में संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के अथवा सेना न्यायालय या सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित क्षमा करने का, किसी व्यक्ति को दंडित किया गया कोई दंडादेश हो उसे क्षमा करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। जबकि राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित संघ सूची के विषयों से संबंधित सभी अपराधों, सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 192, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। 192, राज्यपाल निर्वाचन आयोग, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहर्तता से संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करता है और ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का जो विनिश्चय होता है अंतिम होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। मतलब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श अनुच्छेद 217 के तहत करता है। जबकि अभी हम लोगों ने 143 पढ़ाई था। इसके अलावा राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और प्रोन्नति आदि उच्च न्यायालय से परामर्श करता है, यह 233 में। मतलब यहां पर भी साफ है, एकदम पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं राज्यों में उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी प्रोन्नति के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवा या अन्य शक्तियों की नियुक्ति या उस राज्य के लोक सेवा आयोग एवं अन्य उच्च न्यायालय के परामर्श करता है, इसका भी जिक्र 234 में दिया गया। बहुत ज्यादा नहीं है फिर, इसलिए अगली है, ये न्यायिक शक्ति हमारा हो गया। अगली हेडिंग आप लोग बनेगा वित्तीय शक्ति, इसमें कोई अलग शक्ति नहीं है लेकिन एक अनुच्छेद यहां पे है 202, इसको इरेज कर दें। हाँ, इसको इरेज कर दें। यहां पे आप लोग देखेंगे वित्तीय शक्ति अनुच्छेद 202, आइए जानते हैं अनुच्छेद 202 क्या है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को भी कुछ वित्तीय शक्तियां दी गई। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक वित्तीय बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में दिया गया है कि वार्षिक वित्तीय बजट विधानमंडल के समक्ष रखता है। मतलब विधानमंडल बजट पारित करता है। आपने देखा किस अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, माने राज्यपाल की अनुमति के बाद ही कोई धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था संसद में। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है।
सरकार को किसी आकस्मिक खर्च के लिए वह इस निधि को इस निधि से धन दे सकता। किसी प्रकार के अनुदान मांग या करों संबंधित प्रस्ताव को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्यपाल राज्य की आय व्यय के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के सामने रखता है। वो पंचायतों राज्यपाल पंचायतों नगर निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। वह पंचायतों एवं नगर पालिका के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है। इस समय बताइए वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं आज की आखिरी राज्यपाल से जुड़ी आखिरी टॉपिक जिसका नाम है राज्यपाल की विवेकी शक्तियां। क्या है इसका नाम? राज्यपाल की विवेकी शक्तियां। संविधान के तहत राज्यपाल को कुछ विवेकी शक्तियां भी दी गई हैं जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में किया। जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा राज्यपाल को मतलब स्पष्ट नहीं किया गया है या कुछ शक्तियां जैसे अपेक्षित हैं, उन बातों को स्वविवेकानुसार उसको छोड़कर राज्यपाल अपने सभी कृत्यों का निर्वहन सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, मतलब कुछ मामले तो हैं मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर स्वयं भी कार्य, उसके लिए भी हम लोग जान लेते हैं कि जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना होता है तो उसमें राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग मतलब संविधान द्वारा कुछ मामलों में कुछ विवेकी शक्तियां भी दी गई जिसका प्रयोग वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के करता है। और वो मंत्रिपरिषद के निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होता उस निर्णयों में। जैसे कि हम आपको पता है कि भारत में संविधान द्वारा राज्यों में संवैधानिक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो संसदीय परंपरा के अनुसार राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियां में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शक्तियां दी गई हैं, विवेकपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, विवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे संविधान में अस्पष्टता कुछ उपबंधित चीजें हों, जहां पर कुछ अस्पष्ट ना हो वहां पर वो निर्णय ले सकते हैं अपने। संविधान में कुछ शक्तियां हैं जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जैसे जब गठबंधन की सरकार बनती है या मिलीजुली सरकार बनती है, स्पष्ट बहुमत नहीं होता, उस समय मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए राज्यपाल अपने स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री का चयन करके उस पद और मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करके पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है, फिर उन्हें जाकर बहुमत साबित करना पड़ता है। माने वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को हस्ताक्षरित न कर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है, साथ ही किसी विधेयक को वह स्वविवेक से एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भी कर सकता है, जो हमने पढ़ा अनुच्छेद 200 में। मतलब अगर कोई विधेयक उसके पास आता है राज्यपाल के पास, तो चाहे वो उसे पुनर्विचार करने के लिए भेज दे धन विधेयक को छोड़कर, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ठीक है, या जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तब स्वविवेक का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री 167 में
एक जिक्र है कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी तो विधान में विधेयक प्रस्तावों की जानकारी मांग सकता है। 167 किसी मंत्री को उसके द्वारा दिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद सामने विचार विमर्श के लिए भी रख सकता है। 167 हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय मैंने बताया कि वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अंतिम मंत्रियों की नियुक्ति भी। जब राज्यपाल की राय में विधानसभा में सरकार ने अपना बहुमत खो दिया तब वो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या बहुमत साबित करने के लिए भी कह सकते। यदि वह ऐसा ना करे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त कर सकता। या जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाए तब भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देता तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद को स्वविवेक से भंग कर सकता, मतलब राष्ट्रपति की तरह है। यह राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। वह मंत्रिपरिषद के अल्पमत होने के परामर्श मानने से इंकार भी कर सकता है और स्वविवेक से विधानसभा को भंग भी कर सकता है। वह स्वविवेक से मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे सकता। तो यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल से जुड़े जितने भी प्रमुख तथ्य थे उन सभी को पढ़ लिया, उन सभी को जान लिया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी प्रश्न को, सभी तथ्य को पूछें, पढ़ें, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोगों ने केवल केवल राज्यपाल को पढ़ा। इसके बाद एक टॉपिक आपके और हमारे मन में आता है, राज्य मंत्री परिषद। तो जब राज्य मंत्री परिषद पढ़े इनकी बात करें, क्योंकि ये दोनों लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम लोग पढ़ लेंगे और आपका जो सारा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो इसके बाद अगर हम लोग राज्य मंत्री परिषद पढ़ेंगे थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन यहां तक के जो सीरीज हम लोगों ने पढ़ा कि आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को अपने साथी मित्रों के बारे में बताइएगा कि भारतीय संविधान ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। एक एक वीडियो में संपूर्ण संपूर्ण टॉपिक आपका, वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ। मेरी स्पीड अगर ज्यादा हो तो आप कम कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे सिस्टम है, फेसबुक पे देख रहे हैं वहां भी सिस्टम है, तो आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। राज्यपाल क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, कहेंगे सर 168 और राष्ट्रपति 72। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123, राज्यपाल 213। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, 356। तो अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के शक्तियों कम करने वाला कोई विधेयक अगर लाया जाए तो राष्ट्रपति, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उसके सुरक्षित रख सकता है अनिवार्य रूप से, नहीं उसे पारित नहीं कर देगा, कि पारित ही कर देगा। देखिए राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्योग्यता संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल करता है, उसका अंतिम निर्णय भी वही होता है। अब यहां से कुछ वनलाइनर अगर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आप कहेंगे सर सरोजिनी नायडू। यहां से प्रश्न आता है कि जो भारत की पहली महिला कौन थी राज्यपाल, तो आप कहेंगे सर सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया 1947 से लेकर 1949 तक, और राज्यपाल के पद पर बैठने के बाद सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान, माने राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी, यह भी उत्तर प्रदेश की थी और चौथी महिला मुख्यमंत्री थी, माने उत्तर प्रदेश की चौथी महिला मुख्यमंत्री थी लेकिन पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा। ये इनका कार्यकाल जो था 1963 से 67 तक था, सुचिता कृपलानी जी था।
और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। और किसी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी थी। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए। 1994 से लेकर लगातार अब तक वो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, पवन चामलिंग। इसके पहले ये रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के नाम, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु 23 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, ये भी एक रिकॉर्ड है। ठीक है, भारत में 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास घाटी को बर्खास्त किया गया था। मैंने किसी राज्यपाल को बर्खास्त किए जाने के बाद सबसे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। याद रखिएगा। और उसके बाद 1980 की घटना ये, 1980 में। उसके बाद अगर हम लोग, आप लोग देखें तो 1981 में रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल पहले थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। जब जम्मू कश्मीर में 1965 तक राज्यपाल की जगह सदर रियासत पद नाम से जाना जाता था, सदर रियासत का सदर ए रियासत, मतलब राष्ट्रपति एक तरह से कह सकते हैं सदर रियासत। तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल 1965 तक सदर रियासत थे, फिर 1965 से लेकर 2019 तक राज्यपाल, अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल। 1970 में की घटना है, यह पूछा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन, भगवान सहाय समिति का गठन, राज्यपाल के राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए किया गया। इसके पहले 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल शासन दोनों लागू किया जाता है। तो यहां से जो हमने परीक्षा में आने वाले जो टॉपिक थे, जो सवाल थे, उसे जुड़े हमने अपने प्रश्न आपसे पूछ लिए। और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इनको प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो कुल सदस्यों को 1/6, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। राज्यपाल के कामों को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, राज्य मंत्रिपरिषद। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो लगभग 3.5 लाख रुपया है, और ये संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल का जो शपथ प्रारूप है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, न कि अनुसूची 3 में। और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक का जो सीरीज था आप सभी को समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सवाल है आपसे और मैं चाहूंगा उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, सभी लोग दीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कि राज्यपाल को यदि लगता है कि राज्य की जो शासन तंत्र वो विफल हो रही है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वो राष्ट्रपति को प्रस्ताव दे सकता है, जरूर दीजिएगा। दूसरा,
सवाल हमारा आपसे रहे कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल स्वयं चाहे कि नहीं नहीं मुझे अपने पद से त्यागपत्र देना है तो किसे सौंपेगा? दूसरा, वर्तमान रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति, माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल रहे और कितने ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो राष्ट्रपति बने, माने कितने ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल रहे हैं? यह जवाब आप दीजिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप जरूर दें और अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न आता है तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है, जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने 10-10 साथियों तक पहुंचाते रहिए, कम से कम अगर आपको 72 लगे तो, और साथ ही साथ जो ग्रुप वहां तक पहुंचा दीजिएगा। लाइक का बटन के बाद लाइक दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वो आपके ऊपर है, क्योंकि उससे ना पैसे कटेंगे ना मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तो एज ए गेस्ट के रूप में पढ़ाया चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अन्य क्लासेस भी वहां पे जुड़े रहेंगे, मिलता रहेगा, राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका भी बेहतर होती रहेगी। वीडियो को साथी मित्र तक जरूर पहुंचाइएगा, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश, वहां पे भी जुड़े रहिएगा, और टेलीग्राम पर इलर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके यहाँ पे जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं मेरे भी और इलर्निंग वाले भी, जहां भी चाहें आप। इसी के साथ हम चलते हैं, अपनी बारी को विराम देते हैं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न आप सोचिएगा कि राष्ट्रपति को नियुक्ति क्यों की जाती है, निर्वाचन क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया था, एक बार फिर सोचिएगा, मजा आ जाएगा सीरीज पढ़ने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।